नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर के पी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रोश रुबेन कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं रेडमी वाई टू के नेक्स्ट स्टेबल अपडेट की, जिसमें कि आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को अभी तक पता होगा कि अभी रेडमी वाई टू में बहुत सारे अपडेट रोल आउट किया गया है, जिसमें कि एंड्रॉइड पाई का अपडेट उन्हें देखने को मिला है, मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स के कारण उसे रोल बैक कर लिया गया है। दोस्तों तीन तीन अपडेट रोल आउट किए गए थे, मगर तीनों में बग्स था। जैसे सबसे पहले रोल आउट किया गया था मी वाई 10.3.2.0, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बग्स था, जिसकी वजह से उसे रोल बैक कर लिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा कम यूजर्स को मिला था, सबसे ज़्यादा कम यूजर्स को वो अपडेट देखने को मिला था। उसके बाद रोल आउट किया गया मी वाई 10.3.3.0, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा बग्स था। उसमें तो इतना ज़्यादा बग्स था कि उसमें उसका बग्स वाला मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उसमें लगभग 10 प्लस डेंजरस बग्स देखने को मिलता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बग्स था, तो उसे भी रोल बैक कर लिया गया। फिर रोल आउट किया गया मेरा 10.3.4.0, उसमें भी दोस्तों उसी टाइप का बग्स था, जिसकी वजह से उसे भी रोल बैक कर लिया गया। तो दोस्तों जो भी अभी इस सभी अपडेट में है, किसी भी अपडेट में है, वो सभी चाह रहे हैं कि वापस से एंड्रॉइड ओरियो के अपडेट में जाने के लिए, मगर वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डिवाइस ब्रेक भी हो सकता है, इसीलिए वो नहीं जा पा रहे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए। और जिसको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला, जो कि MIUI 10.3.1.0 में है, वो पता नहीं कि वो भी चाह रहे हैं कि हमें जाना है MIUI 10.3.3 का अपडेट में या फिर MIUI 10.3.4 का अपडेट में, वो जाना चाह रहे हैं। और दोस्तों वो सभी के लिए अच्छी बात है कि उन्हें अभी तक अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि वो बग्स से बचे हुए, ठीक है। तो आप इस तरह से मत कीजिए कि आपको मतलब बग्स मिल जाए, ठीक है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है आपका एंड्रॉइड ओरियो, और नोगट में अभी काफ़ी ज़्यादा बग्स चल रहा है। और इनफैक्ट कोई अपडेट अगर आपको शो भी होता है ना, तो आप उसे डायरेक्ट अपडेट मत कीजिए, पहले चेक कीजिए यूट्यूबर्स लोग का वीडियो कि किस तरह से उस अपडेट में बग्स है या नहीं है, स्मूथ चल रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप उस अपडेट को कीजिए, ठीक है। और अब दोस्तों इस सभी को देखते हुए बहुत ही जल्द आपको एक न्यू अपडेट भी रोल आउट होना शुरू हो सकता है, जिसका कि MIUI वर्जन होने वाला MIUI 10.3.5.0। ये अपडेट दोस्तों आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें कि लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस अपडेट में सारा बग्स को फिक्स कर दिया जाए। अब देखते हैं Xiaomi के ऊपर है वो बग्स फिक्स करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पिछली तीन अपडेट की हिस्ट्री तो अच्छी नहीं है, उसमें कोई भी बग्स को फिक्स नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि इस अपडेट में जो आपको बग्स फिक्स देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। और दोस्तों अब बात करें इस अपडेट की रिलीज डेट की, ये अपडेट आपको कब तक देखने को मिल सकता है आपके स्टेबल अपडेट में, दोस्तों लगभग आपको 1 से 2 वीक लग सकता है, मतलब लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके Redmi Y2 डिवाइस में स्टेबल अपडेट में। और उम्मीद ही कर सकते हैं सारे बग्स फिक्सेस की इस अपडेट में, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना। दोस्तों इस वीडियो में मुझे आपको बताना था Redmi Y2 के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।